110 का टिकट है अंदर जाने के लिए। गाइस तो आज का सडन प्लान हमारा बना है नैनीताल जाने का, तो वी आर गोइंग फॉर द नैनीताल ट्रिप और आप लोग चलिए मेरे साथ एंजॉय करते हैं। तो अभी मैं रास्ते में पहुंचा हूं दो गांव के पास और यहां पे एक बहुत अच्छी शॉप है जहां पे बहुत अच्छे मोमोज मिलते हैं, तो पहले हम वो ट्राई करते हैं और उसके बाद चलते हैं नैनीताल की तरफ। नैनीताल में आज आपको बहुत ही स्पेशल जगह लेके जाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पहुँचते तो ये है पांडे रेस्टोरेंट स्पेशल मोमो एंड मैगी पॉइंट, तो यहाँ के मोमो ट्राई करते हैं। और यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि मतलब काफ़ी थिन मोमोज हैं, जो उसकी लेयर है काफ़ी थिन है, तो ट्राई करके बताते हैं। ये हमारे मोमो अब आ चुके हैं जो कि आप देख सकते हैं देखने पे भी बहुत सुंदर है और साथ में इसमें चटनी मिलेगी, साथ में मेयोनेज भी मिलती है। और इसकी खास बात यह है कि बहुत ही थिन इसकी लेयर है। अब ट्राई करते हैं तो इसको डुबो के खाने का एक अलग ही मज़ा है। और देखिए कितनी इसकी पतली लेयर है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि मैदे से बने हैं, बिल्कुल भी मतलब टेस्ट ही नहीं आ रहा, सीधे जो स्टफिंग है उसी का टेस्ट आ रहा है। बहुत अच्छे मोमोस। जाने वाली रोड है और दो गांव में पहुंच के जस्ट सेकंड वाली शॉप है पांडे रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड, और ये भैया आपको यहाँ मिलेंगे और ये उनका कार्ड है। तो ये भैया अभी मिलते रहते हैं। अच्छा फ्रेश से प्योर मिलेगा, 100% भी डिपेंड कर लेंगे। ठीक हो गया। पांडे जी मोमो स्पेशलिस्ट हो गए, तो ये मोमो स्पेशलिस्ट है, यहाँ आपको हनी भी मिल जाएगा और मोमोज भी। मिलते हैं भैया फिर, बाय। तो यार गाइस मौसम इतना अच्छा हो रहा है क्या बताएं आपको, पूरा आप देख सकते हैं पूरे रास्ते में क्लाउड्स आने लग गए हैं और काफ़ी ज़्यादा कोहरा दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बहुत ही ठंडा है और ये गर्मी का टाइम है, अगस्त का मंथ है और आप देख सकते हैं कितना नैनीताल का सुहावना मौसम यहाँ रहता है हमेशा। तो अभी हम जस्ट हनुमानगढ़ी के पास पहुँचे हैं, यहाँ पे आगे जो आपको दिख रहा है वो एरिज पॉइंट है, तो यहाँ से मतलब आप स्टार गैलेक्सी वगैरह भी देखने आ सकते हैं। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान है और इसके बाद हम चलते हैं अब नैनीताल और आगे दिखाते हैं आपको नैनीताल का व्यू। तो अभी हम जस्ट नैनीताल पहुंच चुके हैं और यहां से हम अंदर एंट्री कर रहे हैं माल रोड की तरफ, उसके बाद हम जाएंगे कार पार्किंग में। कितना भैया? कितना? 110 का टिकट है अंदर जाने के लिए। हम पहुंच गए हैं नैनीताल लेक में और आप बैक साइड में देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत दिख रही है लेक, और मैं इसको आपको दिखाता हूँ बहुत अच्छे से। और ये यहाँ का बोटिंग स्टेशन है और यहाँ आप देख सकते हैं जब भी आए तो आप लोग यहाँ बोटिंग करने के लिए आ सकते हैं, जिसका मतलब टिकट आई गेस 210 के अराउंड है और यहाँ आप लोग आके बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। गाइस अभी मैं हूँ नैनीताल के बोट हाउस क्लब में, जो कि अपने आप में
बहुत हिस्ट्री समेटे हुए है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही पुराना है, ये सबसे पुराना क्लब है। और अब आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ की ब्यूटी और यहाँ का जो नज़ारा है, और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे एंजॉय करने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, सराउंडिंग काफ़ी अच्छी है और एकदम लेक आपके पास है, आपको काफ़ी प्राइवेट स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। और अब चलते हैं इसकी बाकी एरिया की तरफ और बाकी पूरा दिखाता हूँ आपको बोट हाउस। तो गाइस बोट हाउस पे एंट्री करते ही ये रिसेप्शन वाला पॉइंट है और यहाँ आपको क्लब के रूल्स देखने को मिलेंगे जो कि डेडिकेटेड टू एक्सक्लूसिव मेंबर है और जो यहाँ प्रवेश करते हैं उनके लिए है। और राइट हैंड में आपको बिलियर्ड पॉइंट मिलेगा और उसके जस्ट लेफ्ट में एक्सक्लूसिव जिम पॉइंट है जो कि मेम्बर्स के लिए है। उसके बाद हम मेन लॉबी में आते हैं बोट हाउस की और वहाँ से राइट जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर आलिशान एंड विंटेज बार एंड लाउंज देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का जो इंटीरियर डिज़ाइन है बहुत ही शानदार है, पूरा वुडन से रेडी है और काफ़ी अच्छी यहाँ पे सीटिंग दे रखी है। तो यहाँ पे आप अपना क्वालिटी टाइम व्यतीत कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम चलते हैं बाहर की तरफ और सामने आते ही हमें सबसे पहले स्टेयर्स दिखते हैं। जो ये स्टेयर्स है वो जाते हैं बोट हाउस के अपर डेक की तरफ। अपर डेक में पहुंचने के बाद बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है नैनीताल लेक का, नैनी झील का। और ये हर टाइम अगर दिन में या मॉर्निंग के टाइम आओगे तो हर टाइम यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है और शाम के नज़ारे का तो कहना ही क्या है, बहुत ही शानदार नज़ारा रहता है। और इसके बाद हम नीचे चलते हैं और अपना डिनर लेते हैं और उसके बाद हम निकलते हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं दोबारा किसी और नए ब्लॉग के साथ, किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोबारा, बाय, टेक केयर।